भैया गागर में सागर भर पा लोगे साफ और हल्का सा छोड़ बस क्या है कोड वर्ड में बात है हाथ में चोरी चली अभी बस एक सेकंड हाथ में चोरा साजिद भाई घर से खोल रहा और लोग का पीछे वो लोग खड़े हो लो ना मारे तो जा रहा हूं मारे थे कि क्या हो गया कहे जाने पर ही सम्मानित व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर की जाती है तो समाजवादी पार्टी ऐसे मामलों का कतई पक्ष नहीं करती और मेरे पर एक सम्मानित शख्सियत का अपमान रूप पीड़न बन गया। ऐसे प्रकरणों में बिना जांच के जेल भेजने तथा बाद में निर्दोष सिद्ध होने पर भी उनका सम्मान वापस नहीं होता है। नेताओं ने कहा कि मौलाना करीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी भाजपा सरकार ने बहुत जल्दबाजी में की जो उनकी मंशा पर सवाल खड़े करती है। इसी सम्मानित व्यक्ति की गिरफ्तारी प्रकरण की सभी ने निंदा करते हुए इसे उत्पीड़न बताया। सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि मौलाना करीम सिद्दीकी का संपूर्ण इतिहास सांप्रदायिक स्वार्थ व एक सम्मानित इस्लामिक विद्वान का रहा है। एक सम्मानित व्यक्ति की पहले गिरफ्तारी बाद में जांच समस्या आरोपों को गलत मानकर अधिकतम प्रकरण में उनको बाइज्जत बरी किया है। सघन जांच के बिना गिरफ्तारी तथा मान्य न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों में उनके बाइज्जत बरी करने के मामलों का जिम्मेदार कौन होगा? आज बैठक के किस संबंध में बैठक की? देखिए बहुत प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि अगर किसी आदमी ने कोई अपराध का आपको शक होता है तो उसकी सघन जांच कराई जानी चाहिए और जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपको लगता है कि वो अपराधी है तो गिरफ्तार करें। एक सम्मानित आदमी को बिना जांच गिरफ्तार करना संभवतः उचित नहीं है। अदभी एटीएस का कहना है कि लगातार हम इस मामले में जांच कर रहे थे। पहले उमर गौतम गिरफ्तार हुए थे, उन्हीं से इनके कनेक्टेड इनसे पूछताछ हुई, तभी मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम इसमें आया, तभी कार्रवाई की। हमारी पार्टी का आग्रह है कि अंतिम जांच में जब आप तय हो जाए, आरोप पत्र की स्थिति में आ जाए, तब गिरफ्तार करें। एक सम्मानित आदमी को बाद में पता लगा कि अभाव में सबूत के रिहा हो गया। अगर कोई अपराधी है, किसी ने अपराध किया, किसी ने भी, मैं हूँ कोई और हो, तो हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। समाजवादी पार्टी का केवल ये कहना है कि एक बहुत विद्वान आदमी को बगैर जांच गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। परिवार से संभवतः सब लोग निर्णय लेंगे तो जरूर जाएंगे।